बंदी सिंघा की रिहाई मामले दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे ने वड्डा ऐलान किया है। 7 जनवरी तो कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों ऐलान किया गया है कि गुरु अंब साहिब तो मुख्यमंत्री निवास तक शांति मार्च कढ़िया जाएगा। बंदी सिंघा की रिहाई, बेअदबी, बैबल कला गोलीकांड मामला, 328 रूपा के लापता मामले विच इंसाफ मंगे है, इसकी मांग की गई है, जिस तहत उन्होंने वड्डा ऐलान किया कि गुरु अंब साहिब तो मुख्यमंत्री निवास तक शांति मार्च कढ़िया जाएगा। इन्हां मंगां नूं लैके 7 जनवरी तो कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों पक्का मोर्चा लगाउण दा ऐलान कर दिता गया। बेनती करदे हां देश विदेश की संगतां नूं भी इस कौमी इंसाफ मोर्चे लई अपना तन मन धन दे नाल हिस्सा पा के इस नूं कामयाब करिए। जिथे अज मैं 7 जनवरी गुरद्वारा अंब साहब मोहाली विखे संगतां नूं पहुंचण दी अपील करदा। बंदी सिंघां दी रिहाई, जिन्हां ने सजा अपनी पूरी कट ली आ उन्हां नूं छड्डण दे विच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहीदा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जे पैरी रिवेलर नूं, राजीव गांधी दे कातलां नूं, सारिआं नूं ह्यूमनटेरियन ग्राउंड ते छड्डिया जा सकदा है ते वाई नॉट सिख पोलीटिकल प्रिजनर्स नूं क्यों नहीं छड्डिया जा सकदा। तीसरी असीं इह गल करदे आ कि जे बिलकस मानोवाला गुजरात रॉयट्स का सब तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस से गिणिया जा सकता है, क्रूअल केस हैगा, जे उन्हां नूं तुसीं 10 साल बाद छड़ सकते हैं तो बंदी सिंह क्यों नहीं छड़ सकते। सो असी इस गल ते बजदे हाँ भी एरकां साडा जिहड़ा मोर्चा लग रहा है वह बिल्कुल पीसफुल रहेगा। जिहड़े पंजाब दे विच सारे दे सारे खास करके पंजाबियां नाल जां सिखां नाल मसले ने, उन्हां दी जिन्ना चिर ये हल नहीं करते ये मोर्चा पक्का रहेगा।